हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फलेस में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का फार्म भराया जा रहा है। दोस्तों, इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी महत्वपूर्ण सूचना का डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, साथ ही जो लोग फार्म भर चुके हैं उसके खाते में कब तक पैसा आ जाएगा इसका भी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, और फार्म में गलती हो गया है जिसका, वो कैसे और कब सुधार कर सकते हैं इसका भी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, इसके विषय में आते हैं तो महतारी वंदन योजना अंतर्गत विकसित वेब पोर्टल में आवेदन पत्र के साथ प्राप्त दस्तावेज अपलोड किए जाने के संबंध में सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, प्रदेश में महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन अंतर्गत हितग्राहियों से ऑफलाइन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर प्राप्त आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री एवं संलग्न दस्तावेज अपलोड किए जाने की कार्यवाही मैदानी अमलों में द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, सीमित समय सीमा में सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन, ऑनलाइन एंट्री एवं सभी दस्तावेज का अपलोड आदि कार्य किया जाना है। और यहाँ पर देखिए, अतः समय सीमा एवं दस्तावेज अपलोड करने में लगने वाले समय को देखते हुए एवं व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि वर्तमान में आवेदन पत्रों के साथ केवल दो आवश्यक दस्तावेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए वर्तमान में आवेदन पत्रों के साथ केवल दो आवश्यक दस्तावेज, पहला आधार कार्ड एवं आवेदिका का फोटो, इन्हीं दो दस्तावेजों को अपलोड किया जावे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए केवल दो ही, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर दो ही दस्तावेज को अपलोड करना है, आधार कार्ड एवं आवेदिका का फोटो, इन्हीं दो दस्तावेजों को अपलोड किए जाए बोल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर और शेष जो दस्तावेज हैं उसकी हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन पत्र के साथ रखा जावे ताकि सत्यापन किया जा सके एवं आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री का दबाव कार्य कम होने की स्थिति में शेष दस्तावेज को अपलोड किया जा सके, इस प्रकार से सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और दोस्तों जिन लोगों का फार्म में गलती हो गया है वो कैसे और कब तक सुधार कर सकते हैं उसका भी डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, उसके लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय सीमा, यहाँ पर दोस्तों उसके लिए समय सीमा जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में आते हैं तो योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना। दोस्तों, इसका जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, 2 फरवरी 2024 को निर्देश जारी हो गया है। दोस्तों, और दूसरा पॉइंट में देखिए, महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार करना, यहाँ पर 4 फरवरी 2024 को था दोस्तों यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट में आते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ, दोस्तों यहाँ पर 5 फरवरी 2024 को ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदकों का पंजीयन फार्म शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आप फार्म नहीं डाले हो दोस्तों, तो उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना कर रखा हूँ दोस्तों कि आप कैसे ऑफलाइन फार्म डाल सकते हो और ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से डाल सकते हो। दोनों के वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आप अभी तक फार्म नहीं भरे हो तो जाकर देख लेना, उसके बाद आप फार्म भर सकते हो। दोस्तों, और यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में आते हैं तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, दोस्तों यहाँ पर 20 फरवरी 2024 तक फार्म आप भर सकते हो। दोस्तों, और पांचवा पॉइंट में आते हैं तो अनंतिम सूची जारी करने की तिथि
21 फरवरी 2024 तक अनंतिम सूची जारी करने की अंतिम तिथि रखा गया है दोस्तों। और छठे नंबर पर देखिए, यहाँ पर अनंतिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि दोस्तों, यहाँ पर जिसका गलती हो गया है फार्म में, वो अनंतिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि रखा गया है। यहाँ पर आपत्ति कर सकते हैं 21 से 25 फरवरी तक दोस्तों, और आपत्ति का निराकरण यहाँ पर 26 से 29 फरवरी तक किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए छठे नंबर पर, सातवें नंबर पर है, यहाँ पर आपत्ति निराकरण हेतु अवधि, यहाँ पर जो आपत्ति करोगे उसका निराकरण 26 से 29 फरवरी तक रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर अंतिम सूची का प्रकाशन, यहाँ पर 1 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना है। और यहाँ पर देखिए स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि, स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर 5 मार्च 2024 रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखिए राशि अंतरण करने का दिनांक दोस्तों, यहाँ पर 8 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना का जो पहला किस्त है 1000 रुपया, उसको जारी करना है दोस्तों। मतलब आपके अकाउंट में 8 मार्च 2024 को पहला किस्त महतारी वंदन योजना का आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।